Hey guys and welcome back to your channel Genius Guru. So guys basically आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप paid for articles के जो articles हैं वो submit कैसे करोगे. Guys काफ़ी बार ये issue हमें देखने को मिलता है. काफ़ी बार हम अगर SEO पूरा कर लेते हैं और फिर भी हमारा आर्टिकल सबमिट नहीं होता, ग्रामरली मिस्टेक भी आते हैं और फिर भी नहीं होता. तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी टिप्स बताऊंगा जो अगर आपने अप्लाई किया तो आपका आर्टिकल 101% सबमिट होगा. और जिन लोगों को पता है, जो लोग करना जानते हैं, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है. बट गाइस वो भी देख लें, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट. उससे पहले दोस्तों 1000 अब दूर नहीं है, प्लीज़ यार टच करा दो. आपका बहुत बहुत थैंक यू बड़ा वाला. प्लीज़ यार 2000 टच कराओ एंड सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं बेसिकली आ गया हूँ पेड फॉर आर्टिकल्स के डैशबोर्ड पे और यहाँ पे मैं अपना कोई मेरा ये डेमो अकाउंट ओपन है जिस पर मैं आपको बताता हूँ. और ये सिंपली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ से. ठीक है, तो मैंने ये फिलहाल ओपन कर रखा है एंड यहाँ पे ये मेरा आर्टिकल है और इसे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपके सामने इसे रिफ्रेश कर देता हूँ और आपके सामने इसे सबमिट वाला जो बटन है उसे हाईलाइट करके दिखाऊंगा. देखिए कुछ इस तरीके का तो आपका आर्टिकल होगा. और अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बता दूं. देखिए पहला प्लैगरिज्म वाला गाइस जो होता है वो हमें दो तरीके से सॉल्व करना होता है. पहला, अगर आपका आपने खुद से टाइप किया है तो ये वाली प्रॉब्लम 101% ऑलरेडी सॉल्व हो जाती है. सपोज आपने किसी वेबसाइट से कोई आर्टिकल थोड़ा सा कॉपी कर लिया, आपने अगर किसी वेबसाइट से ये मैंने पैराग्राफ कॉपी कर लिया एंड देन अगर आप यहाँ पे डालोगे तो गाइस आप डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है आपको. आपको सिंपली गूगल ओपन करना है एंड देन आपको टाइप करना है आर्टिकल रीराइटर. ठीक है, तो जैसे ही आप आर्टिकल रीराइटर टाइप करोगे तो आपके सामने इस तरीके की काफ़ी वेबसाइट्स आ जाएंगी. तो आपको याद रहे ये वाली वेबसाइट आपको ओपन करनी है. ठीक है, जैसे आप ये वाली वेबसाइट ओपन कर लोगे देन आफ्टर इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वही आर्टिकल एज इट इज पेस्ट कर देना है. ठीक है, अब आपको यहाँ पे आर्टिकल रीराइट गाइस ये सब आपको उस सिचुएशन में करना है जब आपने कहीं से कॉपी किया हुआ हो. तो ये वेबसाइट गाइस ये क्या करेगा कि आपके जो भी आर्टिकल्स होगा उसे उन्हीं वर्ड्स में अलग चेंज कर देगा. बट उसका जो मीन्स रहेगा वो वही रहेगा बट उसके वर्ड्स चेंज कर देगा. ठीक है, तो काफ़ी यूजफुल है गाइस. मैं अपनी वीडियो में आपको काफ़ी बार बता भी चुका हूँ ये सब. ये देखिए हमारा ये यहाँ से आ गया एंड देन सिंपली हम यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे. अब इस आर्टिकल को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. अब बात आ गई ग्रामर की गाइस, ग्रामर मिस्टेक कैसे ठीक करें. ठीक है गाइस, आपका यूनिक आर्टिकल 100% यहाँ से रेडी हो जाएगा एंड देन अब मिस्टेक आएगी गाइस आपको ग्रामर की. ठीक है, तो ग्रामर की मैं आपको लाइव यहाँ पे करके दिखाऊंगा. तो देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला जो SEO वाला है वो तो लगभग हमारा ऑलमोस्ट रेडी है. अब हम पहुँच जाते हैं यहाँ पे ग्रामर वाली मिस्टेक पे. गाइस ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारा ग्रामर एरर को ढूंढेगा पहले. तो एरर जितने भी होंगे वो हमें सिंपली ढूंढ के बता देगा. थोड़ा नीचे आएंगे गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का ये है एक ग्रामर. ये इस वाली जो मैंने आर्टिकल लिखा है इसमें बहुत ही कम ग्रामरली मिस्टेक हैं और अगर आपकी बहुत ज़्यादा हैं तो सेम टू सेम आपको वो भी इसी तरीके से यहाँ पे ठीक करना है. तरीका यही है, देखिए जैसे कि मेरा एक ये थैंक का जो है यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ऐसे ही आपके में बहुत सारे अगर आ रहे हैं रेड वाले, जब आप ये कर्सर है उसी पे स्टॉप करोगे तो आपको एक इस तरीके का एक ये देखिए पॉपअप जो आ रहा है इस तरीके का ये आपको दिखाई देगा. अब यहाँ पे आपको सजेशन में ये जो देखिए सजेशन में आ रहा है गाइस थैंक लिखा है, जो सजेशंस सेमी कॉलम उसके बाद जो थैंक लिखा है और उस वाले थैंक में और इस वाले थैंक में टी कैपिटल है गाइस. ठीक है, सिंपली मैं इसे ठीक कर दूंगा. यहाँ पे ऊपर थैंक यू जो लिखा है यहाँ पे मेरे आर्टिकल में गाइस, यहाँ पे आर्टिकल को थैंक यू जो लिखा है इसकी टी जो है वो बड़ी होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए.
तो सिंपली ये मैंने कर दिया। देन आफ्टर ये हमारा हो गया, अब फिर से हम चेक ग्रामर पे क्लिक कर लेंगे। अगर फिर से कोई एरर होगा तो ये शो होगा, अदरवाइज हमारा सबमिट का बटन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। सो गाइस एज यू कैन सी हमारा सबमिट का बटन जो है वो हाईलाइट हो गया। देखिए जब आप ग्रामर मिस्टेक ठीक कर लोगे उसके बाद फिर भी आपको चेक प्लेगजम करना है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है, इनका दो स्टेप आपको क्लियर करनी ही है। ठीक है, समझ के गए। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे प्लेगजम एसईओ आर्टिकल 100% यूनिक वाला मैंने आपको बता ही दिया, फिर आपको चेक ग्रामर मिस्टेक सही करनी है, उसके बाद फिर से आपको चेक प्लेगजम पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ही आपका सबमिट वाला बटन हाईलाइट होगा। और एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइज, यहाँ पे आप टाइटल में हमेशा क्वेश्चन मार्क्स वाले टाइटल्स यूज करोगे, लाइक व्हाट, हु एंड हुज, इस तरीके के, या टॉप 10, इस तरीके के गाइस हाईलाइट होगा, तभी ये एलिजिबल होगा आपका आर्टिकल सबमिट होने के लायक। तो गाइस आई होप इतनी सारी जो मैंने आपको समझाया है वो आप समझ चुके होंगे, और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया है तो आई एम डेफिनेटली श्योर आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। और गाइस एक बात बताओ यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, और अगर कर दिया है तो थैंक यू गाइस, हमें 2000 तक पहुंचना है हर हाल में। ठीक है, तो सबमिट पे सिंपली मैं क्लिक कर देता हूं और ये हमारा आर्टिकल थोड़ा सा यहां पे वेट लेगा, एंड देन ये हो गया हमारा सबमिट। सो गाइस बिल्कुल इजी सा प्रोसेस था, देखिए आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड बाय बाय। और हाँ गाइस, खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।